हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन एकेडमी। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि होगा हमारा क्रिएटिविटी। ठीक है, आज हम क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। क्रिएटिविटी को हम क्या बोलते हैं? सृजनात्मकता। हिंदी में क्या बोलेंगे क्रिएटिविटी को? सृजनात्मकता। अब क्रिएटिविटी के, हमारी जो क्रिएटिविटी होती है, उसके भी कुछ एलिमेंट्स, तत्व, या फिर हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं होती हैं, जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी क्रिएटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि भाई, जो हम क्रिएटिविटी कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? वो ओरिजिनल होनी चाहिए। हमारी क्रिएटिविटी के अंदर क्या होना चाहिए? ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए। जब हम अपना कुछ क्रिएट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? ओरिजिनलिटी कहलाती है। कि भाई, ये नहीं कि हमें, हमने जो है अपनी, जैसे कि कोई भी टीचर ने हमें टॉपिक दिया कि भाई आपको इस टॉपिक पे कुछ पोस्टर्स या फिर चार्ट वगैरह बना के लेके आने हैं, और हमने गूगल पे सर्च किया और उसको जो है देखा इमेजेस के अंदर, और वैसा का वैसा हमने जो है अपना बना के अपने टीचर को दिखा दिया। ऐसा हमें नहीं करना होता। क्रिएटिविटी के अंदर क्या होता है कि हमें अपना जो है, अपनी क्रिएटिविटी, जो हमारी सृजनात्मकता है, जो हमें टॉपिक दिया है, उस टॉपिक से हम खुद अपने दिमाग से, अपनी सोच से, जो हम सोचते हैं उसके, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? वो हमारी, और हमारी क्रिएटिविटी के अंदर हमारी क्या कहलाती है? हमारी ओरिजिनलिटी कहलाती है। वो क्रिएटिविटी की ओरिजिनलिटी होती है, वो मौलिकता होती है। ठीक है, जब हम अपना कुछ क्रिएट करते हैं। फिर सेकंड आता है इसके विशेषताओं में, सेकंड विशेषता उन क्या होनी चाहिए? प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। जो हमने क्रिएट किया है उसका कुछ ना कुछ हमें आउटपुट मिलना चाहिए, वो क्या कहलाती है? उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब थर्ड क्या होनी चाहिए? फ्लुएंसी होनी चाहिए, प्रभावशीलता होनी चाहिए। मतलब जो हमने क्रिएटिविटी की है वो, मतलब कि हमने, जैसे कि हमारी, मैंने लिखी कोई पोएम। ठीक है, अब मैंने जो पोयम लिखी है, मेरी पोयम में ऐसी, मेरी प्रो इतनी प्रभावशील होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाला है वो शुरू से लेके अंत तक मेरी कविता को जो है पढ़े, वो क्या कहलाती है? फ्लुएंसी। तो मेरी क्रिएटिविटी के अंदर जो क्रिएटिविटी है उसके अंदर क्या होना चाहिए? फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, प्रभावशीलता भी होनी चाहिए। ठीक है, जब हमने कोई कविता लिखा, लिखे तो पढ़ने वाला एंड तक कनेक्ट रहे, वह होती है फ्लुएंसी। फिर थर्ड क्या होता है क्रिएटिविटी के अंदर? फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अब जो क्रिएटिविटी कर रहे हैं उसके अंदर लचीलापन भी होना चाहिए। कल को हमने, देखो अभी अभी हमने क्रिएटिविटी कर दी, अब कल को हमें उसमें कुछ और ऐड करना हो, ठीक है, या फिर उसमें कुछ चेंजेस लाने हो, तो उसके अंदर इतना स्पेस हमें अपनी क्रिएटिविटी के अंदर रखना चाहिए कि भाई, कोई भी हम चेंजेस लेके आना चाहे तो वो हम इजीली उसके अंदर कर सकें। ठीक है, तो क्या होना चाहिए क्रिएटिविटी के अंदर? लचीलापन भी होना चाहिए। फिर क्या होना, तो फिफ्थ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी क्रिएटिविटी के अंदर? क्या होना चाहिए? एलेबोरेशन होना चाहिए, विस्तारण होना चाहिए। ठीक है, क्रिएटिविटी के अंदर एलेबोरेशन भी होना चाहिए। अब क्रिएटिविटी जो होती है वो जन्मजात भी हो सकती है और वो एनवायरनमेंट से भी हो सकती है, वातावरण से भी। ठीक है, मतलब क्रिएटिविटी किसी बच्चे के अंदर बाय बर्थ भी उसके अंदर वो हो सकती है, या फिर वो अपने एनवायरनमेंट से, वातावरण से अपने अंदर उस चीज़ को ग्रहण कर सकता है। अब क्रिएटिविटी क्या होती है? यूनिवर्सल होती है, सार्वभौमिक भी होती है क्रिएटिविटी। ठीक है, अब क्यूरियसिटी भी, अब जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, जो सृजनात्मकता होती है, उसके अंदर क्यूरियसिटी भी होती है। कैसे? देखो, कोई भी हम नई चीज़ को क्रिएट करते हैं तो वो कुछ ना कुछ क्यूरियसिटी के साथ ही तो करते होंगे ना। जैसे जैसे हमारे ये हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने जो है बल्ब इन्वेंट किया, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ क्यूरियसिटी होगी उस चीज़ के लिए, तभी तो उनने वो इन्वेंट किया। ऐसे ही जितनी भी हमारी जो चीज़ें हैं वो क्रिएट हुई हैं, जितनी भी हमारी नई 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 टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो कुछ ना कुछ क्यूरियसिटी के साथ आ रही है। अब देखो, अब जैसे
लॉन्ग डिस्टेंस पर हो जाते हैं या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पीपल हो जाते हैं, तो वो इजीली एक दूसरे से जो है वीडियो कॉल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी कोई कहीं ना कहीं किसी पर्सन के अंदर को क्यूरियोसिटी होगी कि भाई नहीं, या फिर उसकी नीड होगी। तो मतलब क्रिएटिविटी के अंदर क्या होती है, क्यूरियोसिटी भी होती है। ठीक है, फिर अब ये क्वेश्चन आएगा कि भाई जो क्रिएटिविटी है उसमें हमारी कैसी थिंकिंग होती है। तो क्रिएटिविटी के अंदर हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। देखो, अब डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, जब हम किसी एक चीज़ को एक तरीके से ना सोचकर, मतलब एक तरीके से ही नहीं बल्कि बहुत सारे तरीकों से हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अलग अलग वेज में, अलग अलग तरीकों से उस चीज़ को देख रहे हैं, उस चीज़ को बारे में सोच रहे हैं, तो वो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को मतलब जो उसके फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल हैं उसी फैक्ट्स और प्रिंसिपल से ही हम उस चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो हमारी कौन सी थिंकिंग कहलाती है, वो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। बुद्धि में कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, अभिसारी चिंतन होता है जो कि फैक्ट्स और प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। और मतलब बुद्धि में, तो इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था ना कि भाई जो हमारी इंटेलिजेंट है, बुद्धि है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग पर बेस्ड है, और जो हमारी क्रिएटिविटी है वो किस पर बेस्ड है, वो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग पर, अपसारी चिंतन पर। ठीक है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग को क्या बोलेंगे, अभिसारी चिंतन। ठीक है, एक चीज को एक से ज्यादा तरीके से सोचना ही हमारी क्या कहलाती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। यह बात किसने बोली थी कि भाई जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, अपसारी चिंतन होती है, तो यह बात गिलफोर्ड ने कही थी। ठीक है, अब इसमें ये बोल, अब देखो जो भी इंटेलिजेंट बच्चा है, ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर क्रिएटिविटी हो, या फिर हम ये नहीं बोल सकते जिस बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है वो इंटेलिजेंट हो। ठीक है, हर क्रिएटिव बच्चा बुद्धिमान नहीं होता और हर बुद्धिमान बच्चा क्रिएटिव नहीं होता, ऐसा ज़रूरी नहीं है, समझ गए। अब हमारी आती है 5 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस। अब हमारे जो क्रिएटिविटी करने के जो हैं कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारी प्रिपरेशन आती है, फिर इनक्यूबेशन आता है, फिर एल्यूमिनेशन आता है, देन एवेल्युएशन आएगा, एंड लास्ट हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, प्रिपरेशंस के अंदर क्या करते हैं कि भाई हमें कोई टॉपिक दिया जाए, हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसको उसके उसके रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशंस को गैदर कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारी प्रिपरेशन का पार्ट होता है। फिर उसके बाद हम जो है उसको मतलब हमने अभी इंफॉर्मेशन उसके गैदर कर ली, मतलब इकट्ठी कर ली, हमने कलेक्ट कर चुके हैं हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और जो भी हमें इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो उसके रिगार्डिंग चाहिए होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हम उसके जो है गैदर कर ली हमने। फिर हम अलग अलग आइडियाज़ जो है जनरेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, हम अलग अलग आइडियाज़ को जो है सोचेंगे। ठीक है, अब हमने अलग अलग आइडियाज सोच लिए, अब उन आइडियाज में से हम कुछ को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने वो आइडियाज भी सिलेक्ट कर लिए हैं तो अब हम थोड़ा ना शांत रह जाएंगे कि भाई ठीक है, हमने इतना कर लिया है, थोड़े दिन बाद हम उसको जो है आगे अपने प्रोसीजर को बढ़ाएंगे। अब उस टाइम पीरियड के दौरान एकदम से हमारे दिमाग में अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एक धांसू सा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन को जैसे हम बोल सकते हैं कि दिमाग की बत्ती जलना, एकदम से जो है दिमाग की बत्ती जल जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इल्यूमिनेशन कहलाएगा। कि भाई एकदम से हमें जो है एक धांसूदार सा आइडिया आ गया कि हाँ, ये वाला हमें करना है, तो वो क्या कहलाएगा, इल्यूमिनेशन कहलाएगा। इल्यूमिनेशन के बाद क्या होएगा, अब हमारे दिमाग में आइडिया आ गया, अब इवेल्यूएशन करेगा, अब उस आइडिया को जो है हम जो है अलग अलग तरीकों से देखेंगे। हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये ऐसे होएगा, ये ऐसे हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा, यदि ऐसे किया तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या आएंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या आएंगे, ये इवेल्यूएशन होता है। ठीक है, उसको इवेल्यूएट कर रहे हैं वो उस आइडिया को हम। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है कि भाई हम उसको जो है अब उस आइडिया पर या उसको जो है हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं उस पर। ठीक है, ये हमारी 5 स्टेजेस होते हैं क्रिएटिविटी प्रोसेस के। अब इनको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं।
स्टेप्स ऑफ क्रिएटिविटी, फर्स्ट हमारा तैयारी जिसको बोलते हैं प्रिपरेशन, क्या समस्या है, कैसे हल करना है, ये सारे हम अपने प्रिपरेशन के दौरान करते हैं। फिर सेकंड स्टेप होता है उद्भवन, इनक्यूबेशन। हमने तैयारी कर ली, फिर हम सोचते हैं थोड़ा शांत रहे जिससे वह आइडिया हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। फिर थर्ड स्टेप क्या आएगा, उद्दीपन प्रदीपन, ठीक है, उद्दीपन प्रदीपन इनसाइट, या फिर हम उसको बोल सकते हैं इल्यूमिनेशन, ठीक है। इनक्यूबेशन के कुछ दिनों बाद जब हमारे दिमाग में एकदम से धासु, मतलब एकदम से बहुत अच्छा आइडिया आता है हमारी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हमारा इल्यूमिनेशन कहलाएगा, उद्दीपन प्रदीपन कहलाएगा, ठीक है, एकदम से दिमाग की घंटी बजना, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप क्या होएगा, वेरिफिकेशन सत्यापन, सभी चीजों को चेक करना कि वह क्रिएटिविटी की है, और जो स्टेप्स हैं उसे सत्यापन कहते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन करेंगे, सत्यापन करेंगे उसका, ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेप हमारा क्या आएगा, इम्प्लीमेंटेशन, कि भाई अब हम उसको जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं अपने उस प्रोजेक्ट पर, उस आइडिया को, ठीक है। फिर ये होगी हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए, 5 स्टेप्स, ठीक है। अब हमारे लेवल्स आते हैं क्रिएटिविटी के, ठीक है, लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी, स्तर, क्रिएटिविटी के स्तर देखेंगे, जो कि IA Taylor ने दिए, जो लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी हैं वो IA Taylor द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इम्प्रेसिव लेवल, जिसको बोलते हैं अभिव्यात्मक स्तर, ठीक है, अभिव्यात्मक स्तर, एक्सप्रेसिव लेवल, लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी। अब ये जो है हमारे किसके द्वारा दिए गए हैं, IA Taylor द्वारा गए दिए गए हुए हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एक्सप्रेसिव, जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यात्मक स्तर, ऑल्सो कॉल्ड लोएस्ट लेवल, जो हमारा एक्सप्रेसिव लेवल है, अभिव्यात्मक स्तर है, इसको लोएस्ट लेवल भी बोला जाता है, जिसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं होती और कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। जो मैंने बताया था ना कट टू पेस्ट वाला, वो होता है हमारा एक्सप्रेसिव वाला। हमें सिर्फ एक्सप्रेस करने से मतलब होता है, चाहे वह किसी को अच्छा लगे या इंटरेस्ट आए या ना आए, ठीक है। फिर सेकंड आता है हमारा उत्पादक स्तर, जिसको बोलते हैं प्रोडक्टिव लेवल, ठीक है। देखो ये पिरामिड में दिखा रखा है, एक्सप्रेसिव टेक्निकल को प्रोडक्टिव को टेक्निकल बोल दिया, प्रोडक्टिव इन्वेंटिव इनोवेटिव, एंड सबसे हाईएस्ट लेवल होता है हमारा इमर्जेंट क्रिएटिविटी, ठीक है, जो कि अब हम पढ़ेंगे। देखो अब हम कौन सा कर रहे थे, प्रोडक्टिव लेवल। जब हम कुछ भी नई चीज बना लेते हैं, नई थॉट्स आइडियाज एटसेट्रा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी बोलेंगे, प्रोडक्टिव लेवल हो जाएगा वो हमारा। इसमें हम किसी को अच्छे आइडियाज या कुछ नई बात बता रहे हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्टिव कहलाएगा। अब थर्ड आता है हमारा इन्वेंटिव लेवल, पुरानी चीजों से कुछ नया इन्वेंट करना, वो हमारा इन्वेंटिव लेवल होता है। हिंदी में इन्वेंटिव लेवल को क्या बोलेंगे, अन्वेषणात्मक स्तर, ठीक है, अन्वेषणात्मक स्तर, इन्वेंटिव लेवल। पुरानी चीजों से हम कुछ, जैसे कि हम वो नहीं करते, वेस्ट क्राफ्ट बनाते हैं, वेस्ट मटेरियल डेकोरेशन करते हैं, ठीक है, रीयूज करना चीजों को, वो हमारा इन्वेंटिव लेवल होता है, कि भाई पुरानी चीजों से ही जो हमने कुछ नया इन्वेंट कर दिया हो। अब फोर्थ लेवल आएगा हमारा नवाचारित स्तर, ठीक है, नवाचारित स्तर, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम इनोवेटिव लेवल। इसमें बच्चा मूर्त रूप से क्रिएटिव है, जो चीज उसके सामने है उसी पर वह कलाकारी दिखा रहा है। जैसे मतलब कि उसके सामने हमने जो है कार्डबोर्ड वगैरह रख दिए, कलर्स दे दिए, चार्ट वगैरह दे दिए, मतलब मूर्त तरीके से शो कर रहा है। अब वो उनका इस्तेमाल करके जो है अपना अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा उन पे, तो वो क्या कहलाएगा, इनोवेटिव लेवल कहलाएगा। इससे बच्चा मूर्त रूप से क्रिएटिव है, जो चीज उसके सामने है, ठीक है, उसी पर वह कलाकारी दिखा रहा है, वो क्रिएटिविटी का हाईएस्ट लेवल होगा। फिर फिफ्थ लेवल आता है हमारा इमर्जेंटिव लेवल, जिसको बोलेंगे उद्यात्मक
अमूर्तता स्तर, इनो इमरजेंट लेवल। इसमें बच्चा अमूर्त रूप से भी क्रिएटिव होता है, जैसे थॉट्स, फीलिंग्स। अब इसमें कौन से क्रिएटिविस्ट होते हैं, जैसे हमारे पोएट हो गए, पेंटर हो गए, यह क्रिएटिविटी का हाईएस्ट लेवल होता है। ठीक है, अभी हमने जो है क्रिएटिविटी के 5 लेवल देखे हैं। हमारा सबसे पहला होता है एक्सप्रेसिव, जो सबसे लोवेस्ट है। देन हमारा प्रोडक्टिव लेवल आता है, फिर हमारा इन्वेंटिव लेवल आता है, फिर इन्वेंटिव के बाद हमारा इनोवेटिव आएगा, और फिर फिफ्थ आता है हमारा इमरजेंटिव लेवल। देखो, इनोवेटिव तो हमारा हाई लेवल है क्रिएटिविटी का, और जो इमरजेंटिव लेवल है, जो टॉप मोस्ट पे है, वो हमारा क्रिएटिविटी का हाईएस्ट लेवल होगा। हाई लेवल इनोवेटिव, हाईएस्ट लेवल हमारा इमरजेंटिव लेवल होगा। ठीक है, ये आज हमने इतना ही पढ़ते हैं, कल इसको कंटिन्यू रखेंगे। यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और यदि कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।